देखता रहूं, देवी माँ की फोटो देखता रहूं, दर्शन करता रहूं। कई बार मन में विचार आते हैं कि देवी या देवता की फोटो को देखते रहें, उनके दर्शन करते रहें, और अगर दर्शन नहीं किया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। ऐसे विचार आना कौन सी बीमारी है? जी हाँ, आप जानते हैं कि यही पुरानी और जो सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है बीमारी OCD ही है। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी के माध्यम से इलाज आसान और सस्ता हो गया है और हर इंसान की पहुँच में भी आता जा रहा है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग मानसिक रोगियों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर आई है। एक व्यूअर, यूट्यूब चैनल को देखने वाले एक मेरे व्यूअर ने मुझसे संपर्क किया और कहा, सर आप एक वीडियो ऐसा बनाएं जो मेरी बीमारी का कारण है। उन्होंने बताया कि जब भी मैं देवी माँ, वैष्णो देवी माँ की फ़ोटो या वैष्णो देवी माँ के बारे में सोचता हूँ, काली माँ के बारे में सोचता हूँ, तो लगता है कि उनको देखता रहूँ, उनके दर्शन करता रहूं, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे कोई कह रहा है कि आओ मेरे दर्शन करने आओ, अगर दर्शन करने नहीं आए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और ऐसी शंकाएं, ऐसा डर उसके मन में पैदा होता है। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं प्याज या लहसुन खाता हूँ तब डर जाता हूँ, मैं उस समय ऐसे डरता हूँ भगवान की मूर्ति या देवी माँ की मूर्ति से जैसे बच्चे भूत से डरते हैं। ऐसी ही वर्डिंग थी उन्होंने जब मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और कहा कि भगवान की जब मैं मूर्ति के पास जाता हूँ, देवी माँ की मूर्ति के सामने जब मैं जाता हूँ, तो मुझे एक ही अंदर से आवाज़ आती है कि साफ होकर जाओ, अगर साफ होकर नहीं गए, अशुद्ध चले गए, अपवित्र चले गए, तो श्राप मिल जाएगा, पाप लग जाएगा, अनहोनी हो जाएगी। उन्होंने खुद कहा जैसे देवी माँ को सफाई पसंद हो, प्रेम ना पसंद हो। वो जानते हैं, इनसाइट लर्निंग इतनी हाई है, वो जानते हैं कि मेरे साथ कुछ अनहोना, कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन खुद कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, खुद पे काबू हो नहीं पाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सर मेरी इस परेशानी की वजह से मेरा जीवन प्रभावित होता जा रहा है, ना मैं पढ़ाई ढंग से कर पा रहा हूँ, ना मैं काम ढंग से कर पाता हूँ, मेरे रिश्ते नाते बिछुड़ते जा रहे हैं, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर मैं किसी को ये बात बताई दूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, मजाक मुझ पर करते हैं कि अजीब आदमी है, ऐसे कोई विचार सोचता है। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने देवी माँ के दर्शन नहीं किए, अगर मैंने देवी माँ की यात्रा नहीं की, तो मेरा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, ऐसा भी मेरे मन में आता रहता है बार बार। तो सर मैं क्या करूं? मैं आपके वीडियो तो देख लेता हूं, मुझे राहत मिलती है, लेकिन मेरा पक्का सॉल्यूशन कैसे होगा, इसके लिए मुझे आप कुछ सुझाव दें। तो मैंने व्यूअर से यही कहा कि इसका पक्का इलाज तो साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी के माध्यम से ही ये परेशानी खत्म होती है। उन्होंने कहा कि मैं दवाई भी लेता हूँ, दवाई से कुछ देर के लिए आराम मिलता है, मन थोड़ी देर के लिए एकदम से सुस्त सा नज़र आता है, नींद आ जाती है, लेकिन फर्क उतना नहीं पड़ रहा है, फर्क डालने के लिए साइकोथेरेपी है। आज साइकोथेरेपी इस OCD, इस मानसिक भ्रम, इस मानसिक शक की आदत को बखूबी हल कर रही है, जिसमें सबसे कारगर थेरेपी है CDT, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, डॉक्टर राकेश जैन द्वारा निर्मित। इसके फाउंडर डॉक्टर राकेश जैन हैं, आगरा वाले, उन्होंने इस थेरेपी को लॉन्च किया है, फाउंड किया है, और यही थेरेपी एंग्जाइटी, फोबिया, OCD के लिए एक कारगर थेरेपी बन रही है। आज इस थेरेपी के माध्यम से बहुत से पेशेंट लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद दूसरी थेरेपी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, CBT के माध्यम से कॉग्निशन डिवेलप होता है कि जो सोचा जा रहा है वो इलॉजिकल है, पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, देवी माँ ऐसे श्राप नहीं देती है किसी को, उसे सभी इंसान प्यारे हैं, इंसान के अंदर खासियत उसे अच्छी लगती है, तो इंसान की जो कमियां हैं वो भी तो उसी की देन है। जब ये पॉइंट ऑफ व्यू, जब ये एटीट्यूड विकसित किया जाता है, तो परेशानी
कम हो जाती है। उसके बाद द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में जीना, माइक्रो एक्सपोजर थेरेपी ओसीडी के लिए कारगर थेरेपी है, ये भी डॉक्टर राकेश जैन जी द्वारा ही दी गई है। आरएफबीटी भी राकेश जैन द्वारा एक निर्मित अद्भुत साइकोथेरेपी है। इसके अलावा अन्य साइकोथेरेपियां श्रीमद् भागवत गीता, इंडिया की सबसे अद्भुत रिच विरासत के अंदर श्रीमद् भागवत गीता का अपना ही अनोखा, अपना ही एक अलग स्थान है। उसका ज्ञान हमें इन मानसिक बंधनों से, इन मानसिक उलझनों से ऊपर ले जाता है, कंडीशनिंग को तोड़ देता है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग से मुझसे बात करना बिल्कुल आसान है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये छोटे छोटे वीडियो टिप्स आपको कुछ देर के लिए एक मूड को फ्रेश तो कर सकते हैं, आपको एक किक तो दे सकते हैं, आपके कानों में एक खटखट तो कर सकते हैं। पक्का इलाज साइकोथेरेपी ही करती है। आप मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, किसी अन्य साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे ओसीडी के बारे में बताना। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, अपनी परेशानी जानते रहते हैं और हल भी लेते रहते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मानसिक बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। आज इस देश को बचाना है तो हमें स्टूडेंट्स को बचाना होगा। सबसे ज़्यादा तादाद इलाज लेने वालों की आज स्टूडेंट्स हैं। आज स्टूडेंट्स इतनी भारी मात्रा में मानसिक रोगों से ग्रसित हो चुके हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, ना घर में कोई समझ रहा है, ना दोस्त समझ पाते हैं, तो समझे कौन? क्या सारे इंसान लकी होते हैं, मिस्टर साइको गुरु अपना पाते हैं? जी नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोग मिस्टर साइको गुरु से बात कर पाते हैं, बाकी रह जाते हैं। कहीं आप रह ना जाएं, चूक ना जाएं, इसलिए आप फोन उठाएं और अभी बात करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।